कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 12 मई और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आने वाले 5-6 महीनों में काफ़ी सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे RRB, JEE, NTPC, ग्रुप डी, SSC, MTS, CGL, बैंकिंग, काफ़ी सारे एग्ज़ाम, स्टेट PSC और जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम होने वाले, सभी में करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह के डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 4:30 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है ताकि मैं आपके लिए ऐसी रेगुलर वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट सभी दोस्तों के साथ, सभी की हेल्प कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको पुराना करंट अफेयर्स मैं रिवाइज़ करा देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए। आप नया डेली पढ़ते हैं लेकिन पुराना रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज का ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अक्टूबर 2018 में सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अक्टूबर 2018 में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को गति देकर भारत में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और सामाजिक एकता के प्रयासों के जरिए देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे मोदी जी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अगर आप रेलवे NTPC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल स्टडी मटेरियल तैयार किया गया, PDF नोट्स तैयार किया गया है। मात्र दोस्तों इसमें 4000 ऑनलाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे रेलवे के और MCQs मिल जाएंगे, मैथ्स, ट्रिकी मैथ्स इसमें सॉल्व किया गया है। सबसे खास बात है कि इसमें आपको 20 मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे। इस PDF नोट्स की दोस्तों मात्र नॉमिनल प्राइस है मात्र 35 रुपीज़ की, तो आप इसको परचेज करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है PDF नोट से ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे हृदयनाथ पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों मोहम्मद जहर खयाम हाशमी को, ठीक है। तो याद रखेंगे ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद जहर खयाम हाशमी को, प्रसिद्ध संगीतकार हैं ये, ठीक है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया। बता दें दोस्तों कि जो मोहम्मद जहूर खयाम फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, पुरस्कार के रूप में दोस्तों उनको 1,00,000 रुपये और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। तो हृदयनाथ पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? संगीतकार मोहम्मद जहर खयाम हाशमी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2018 के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के लिए मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों मिला है एना बंस को, ऑप्शन सी, ठीक है। आयरलैंड की लेखिका है, इनकी जो नॉवेल है दोस्तों, किताब है, याद रखिएगा, मिल्क मैन, ठीक है, मिल्क मैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और बुकर पुरस्कार जीतने पर बंस को £50,000 की नकद राशि भी दी गई है, ठीक है। तो मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? आयरलैंड की लेखिका एना बंस को, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने संयुक्त राष्ट्र FAO का फ्यूचर पॉलिसी फॉर गोल्ड पुरस्कार जीता है? तो देखिए सो सिक्किम जो है, ठीक है, सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य बनने के लिए इस साल का संयुक्त राष्ट्र FAO का फ्यूचर पॉलिसी फॉर गोल्ड पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो पहला पूर्ण जैविक कृषि राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम की बात करें अगर, सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और सिक्किम से दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे लंबा मुख्यमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का रहा है? सिक्किम के जो CM है पवन कुमार चामलिंग जो है, ठीक है, पवन कुमार चामलिंग, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले भारत के पवन कुमार चामलिंग, ठीक है। और सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और गवर्नर कौन है सिक्किम के वर्तमान में? गंगा प्रसाद जी हैं, गंगा प्रसाद, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था फ्यूचर पॉलिसी फॉर गोल्ड पुरस्कार सिक्किम को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2018
किसे दिया गया है? दोस्तों आप सबको पता होगा इकोनॉमिक्स का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है पॉल रोमर और विलियम नॉर्डहॉस को, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन से सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1967 में, जबकि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, पांच क्षेत्रों में जो दिए जाते थे इनकी शुरुआत हुई थी 1901 से, जबकि 1967 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने लगा, तब से छः क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखेगा, भारत की तरफ से पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो भारत में पहली नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए मिला था गीतांजलि का, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है, नोबेल का शांति पुरस्कार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेनिस मुकवेदे और नादिया मुराद को, ठीक है, डेनिस मुकवेदे, ठीक है। और देखिए दोस्तों युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा को उपयोग को समाप्त करने के लिए डेनिस मुकवेदे और नादिया मुराद को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार 2018 मिला है, ठीक है, तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मई 2019 में विकासशील देशों की WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो WTO मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत, ऑप्शन बी, 13-14 मई को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इस बैठक में 16 विकासशील देश, 6 अल्प विकसित देश और विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक को भाग ले रहे हैं। WTO को महानिदेशक कौन है याद रखेंगे? रॉबर्ट अजेवेडो वर्तमान महानिदेशक हैं। थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड विश्व व्यापार संगठन दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय तो जिनेवा में है। और देखिए दोस्तों WTO की सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 164 है और 164वां जो सदस्य है वो है अफगानिस्तान, ठीक है, तो याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक है वर्तमान में रॉबर्ट अजेवेडो जो ब्राज़ील के हैं, ठीक है। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में हुआ था दिसंबर 1996 में, अब ये होने जा रहा है भारत में, ठीक है, तो याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे जो एक शब्द है विकासशील देश और विकसित देश, इन दोनों में आपको अंतर पता है क्या? चलिए नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ विकासशील देश और विकसित देश के बारे में। सबसे पहले अपन जान लेते हैं विकसित देश के बारे में। तो दोस्तों विकसित देश ऐसे देश होते हैं जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश का सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ये जो हैं सारे देश विकसित देश हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे विकासशील देश की, तो विकासशील देश का दोस्तों जो देश के आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं और जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, गरीबी और बेरोजगारी का जो स्तर होता है वो अधिक होता है और लोगों का जो लाइफ स्टाइल होता है दोस्तों रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं होता और देश के आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ होता है। बात करें अगर ऐसे देशों की, विकासशील देशों को, उदाहरण अपना भारत है, इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ठीक है। इसके अलावा इनकी अन्य विशेषताएं होती हैं जो विकासशील देश की, तो निचला मानव विकास सूचकांक होता है, कम सकल घरेलू उत्पाद होती है, उच्च निरक्षरता दर होती है। तो आपको विकसित देश और विकासशील देश में अब अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये जो WTO का मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है विकासशील देशों की? तो इंडिया कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई 2019 में सतत विकास लक्ष्यों के नए एडवोकेट ग्रुप में कितने वैश्विक हस्तियों को नियुक्त किया गया है? तो 17 जो है नियुक्त किया गया, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 वैश्विक हस्तियों को सतत विकास लक्ष्यों के एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ठीक है, इनमें जो है एडवोकेट जागरूकता बढ़ाने, अधिक महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करने के लिए जो है इसमें प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्ति हैं, तो याद रखेंगे आप, ठीक है। विकास लक्ष्यों के नए एडवोकेट ग्रुप में कितने वैश्विक हस्तियों को नियुक्त किया गया? 17। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें हम संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, तो याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आप सबको पता है कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? सदस्य देशों की संख्या तो 193 है, 193 देश है, दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो ये आप सारे फैक्ट याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बन गया है?
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषणा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपको आयरलैंड रीड करना, आयरलैंड जो है बन गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा जलवायु परिवर्तन पर जो है आयरिश संसद की रिपोर्ट को सरकार और विपक्षी दलों द्वारा किसी वोट के बिना जो स्वीकार करने की बात किया गया है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा है पहला देश कौन सा है, तो देखिए दोस्तों 1 मई को आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन गया। ठीक है, यूके बन गया, यूनाइटेड किंगडम। तो दूसरा देश बन गया आयरलैंड। तो आप याद रखेंगे जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश आयरलैंड बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश के साथ 1600 एचपी डेमू ट्रेन सेट को आपूर्ति के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नेपाल के रेलवे विभाग के साथ जो है 1600 एचपी डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और इन ट्रेनों का उपयोग भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच रेलवे लिंक के संचालन के लिए किया जाएगा। ठीक है, और इस ट्रेन सेट का निर्माण दोस्तों इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोंकण रेल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारत में जो कोंकण रेल है, देखो दोस्तों, जो कोंकण रेल परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत रोहा है महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक तक 760 किलोमीटर रेल पटरी बिछाई गई हैं, और रेलमार्ग गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। और आपको बता दें कि एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग भी इसी रेलमार्ग का हिस्सा है। ठीक है, कोंकण रेलवे के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वाईसी देवेश्वर का निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? देखो दोस्तों, वाईसी देवेश्वर एक व्यवसायी थे। आपको बता दें कि आईटीसी के सबसे लंबे समय तक सेवारत जो है प्रमुख वाईसी देवेश्वर का मई 2019 में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है, और उन्होंने दोस्तों 2017 के कार्यकारी भूमिका का पद छोड़ दिया था, लेकिन गैर कार्यकारी क्षमता में अध्ययन क्रम में बने थे, और वर्तमान में जो है दोस्तों कंपनी के सीईओ और एमडी कौन है, संजीव पुरी हैं। ठीक है, आईटीसी, ठीक है, आईटीसी के वर्तमान में जो चेयरमैन है, वर्तमान में सीईओ और एमडी है दोस्तों संजीव पुरी हैं। ठीक है, सीईओ और एमडी संजीव पुरी हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डैश डैश विश्व की पहली संपूर्ण माता पिता आधारित जेनोम असेंबली विकसित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस। ठीक है, ऑप्शन भी देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भैंस की विश्व की पहली संपूर्ण माता पिता आधारित जीनोम असेंबली विकसित की है। ठीक है, तो याद रखेंगे। या हमारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डेंगू बुखार के खिलाफ पहले वैक्सीन को मंजूरी दी थी, वैक्सीन का क्या नाम है? तो इस वैक्सीन का नाम है हमारा डेंगवॉक्सिया। ठीक है, डेंगवॉक्सिया नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, भारत के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मनाया जाता है। तो भारत में दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि यह जो शक्ति की वर्षगांठ के याद के रूप में कार्य करता है। जब दोस्तों पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका इस उत्सव का उद्देश्य क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों पर उजागर करना। तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का मनाया जाता है 11 मई को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2019 में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय मेहता को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अजय मेहता को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें अगर, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है? सी विद्यासागर राव वर्तमान गवर्नर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का आंसर, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा? तासीगंग, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसका करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था। आज का सवाल देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स जरूर लिखना है। विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका फटाफट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखनी है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते रहे स्टूडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।